क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉलीवुड की बिगेस्ट एक्शन फ्रेंचाइज रैम्बो का रीमेक बन रहा है। असल में 2017 में रैम्बो मूवी के बॉलीवुड रीमेक को अनाउंस किया गया था, जिसमें लीड में टाइगर श्रॉफ को कास्ट भी कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद उस मूवी को लेकर आज तक कोई अपडेट नहीं आया था। लेकिन रिसेंटली ही टाइगर श्रॉफ ने ये कन्फर्म किया है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 2024 से इस मूवी का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टाइगर ने हार्ड कोर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ जैसे कि ओरिजिनल रैम्बो मूवी के अंदर गोरिला वॉरफेयर को लेकर काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, तो टाइगर श्रॉफ उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग करने वाले हैं। इसके अलावा उनके अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर थोड़ा सा इंडियन टच भी दिया जाएगा, जैसे कि मूवी के अंदर रैम्बो का जो किरदार है वो इंडियन आर्मी से बिलोंग करेगा। और बॉलीवुड की मूवी है तो भाई रोमांस तो होगा ही, जिसके लिए फीमेल लीड में जाह्नवी कपूर को कास्ट किया गया है। जैसे आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल रैम्बो मूवी पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड मूवी थी, जिसके एक्शन सीन्स को आज की मूवी से भी ऊपर माना जाता है। तो उम्मीद तो यही है कि बॉलीवुड में भी ऐसा एक बेंचमार्क सेट हो इस मूवी से। नेक्स्ट वीडियो, बाय।